नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बिल्कुल नई और लेटेस्ट वैकेंसी। जी हां दोस्तों, ये नई वैकेंसी आई है आपकी इंडियन एयरफोर्स में। तो इंडियन एयरफोर्स में ये वैकेंसी क्या है, इसके लिए कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल है, इसमें हाइट, एज, क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है और इसके फॉर्म को आपको कैसे भरना है, इसकी लास्ट डेट क्या है, सभी चीज़ें इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी गई हैं। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है, तो आज मैं इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। तो दोस्तों बात करता हूँ इसके बारे में। तो ये है इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर युवा नॉन कॉम्बैट आपकी अंडर अग्निपथ स्कीम, यानी कि अग्निवीर स्कीम जो है उसके अंडर में है। 4 साल वाली ये वैकेंसी है इंडियन एयरफोर्स में। ये आपकी है इंटेक 01/2025 के लिए, 2025 के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में। तो सबसे पहले ये है, इसके एज के बारे में बता रखा है। तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए वो 2 जनवरी 2004 से 2 जुलाई 2007 के बीच हुई होनी चाहिए, और ये दोनों डेट भी इंक्लूड हैं। तो डेट ऑफ बर्थ के बारे में आपको पता चल गया। अब दोस्तों बात करते हैं मैरिटल स्टेटस के बारे में। तो इसके लिए ओनली अनमैरिड मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, अनमैरिड मेल कैंडिडेट ही इसके लिए एलिजिबल हैं। बात करते हैं दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो ये आपकी मैट्रिकुलेशन है, यानी कि आपकी 10th पास की वैकेंसी है। अगर आपने 10वीं पास कर ली है तो आप इसके फॉर्म को भर पाएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड की। तो इसमें आपकी जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बात करें चेस्ट की, तो जितनी भी आपकी चेस्ट है उसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। बात करें वेट की, तो वेट आपका हाइट और एज के प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। दोस्तों आगे बात करते हैं जनरल डिस्क्वालिफिकेशंस की। तो ये यहाँ पर बताया हुआ है कि आपको जो है कोई भी नारकोटिक ड्रग आप यूज़ ना करते हों, यानी कि किसी भी तरह का नशा आप ना करते हों, और कोई भी ऐसा यहाँ पर सब्सटेंस यानी कि ऐसी कोई चीज़ यूज़ ना करते हों जिसमें नशा होता हो। और इसके साथ ही आपकी बॉडी पर कोई टैटू नहीं होना चाहिए, वो टैटू है तो उसके रूल्स भी बताए हुए हैं। दोस्तों बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की, इसमें आपको क्या क्या काम करना होगा, कौन सी वैकेंसी ये है। तो इसमें आपको दोस्तों दो तरह की हैं, हॉस्पिटैलिटी स्ट्रीम और दूसरा हाउसकीपिंग स्ट्रीम। दोस्तों इन दोनों में ही मैं आपको बता दूं, इसमें क्या है, इसमें आपका कुकिंग से रिलेटेड आपको मैनेजमेंट आना चाहिए, किचन मैनेजमेंट आपको आना चाहिए, प्रेजेंटेशन ऑफ डिश, जो खाने पीने की डिश होती हैं उनको कैसे प्रेजेंटेशन करना है, वो सभी चीज़ें आनी चाहिए का मतलब है ये सभी आपको काम करना पड़ता है। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर आपसे करवाई जाती हैं। बात करें हाउसकीपिंग स्ट्रीम में, तो इसमें जो है इंडिविजुअल्स होते हैं उनको जॉब को टास्क दिया जाता है, क्लीनिंग का, फ्लोर की क्लीनिंग, रोड, रूम्स, बाथरूम, इन सभी की क्लीनिंग के टास्क दिए जाते हैं। और दोस्तों इसके साथ ही ब्रूम्स मेकिंग, ग्रास और दोस्तों ग्राउंड लिविलिंग, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये सभी काम आपसे करवाए जाते हैं। और यहाँ पर वाटरिंग ऑफ गार्डन, क्लोथिंग, फिलिंग एंड केयरिंग ऑफ वाटर, ये सभी काम आपसे करवाए जाते हैं। तो दोस्तों ये दो तरह की आपकी वैकेंसी आई हुई है। बात करते हैं प्रोसीजर ऑफ अप्लाई, इसके लिए आपको कैसे अप्लाई करना होगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको जो है इसका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा, और इसके एप्लीकेशन फॉर्म को आपको ऑफलाइन भरकर, यहाँ पर आपको ऑफलाइन भरकर ही इसके पोस्टल एड्रेस पर आपको बाय पोस्ट के द्वारा सेंड करना होगा। ये जो है आपको जो फॉर्म है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगा। तो इसके फॉर्म का डायरेक्ट लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो दोस्तों ये है यहाँ पर आपका दे रखा हुआ है, ये प्लेस है जैसे न्यू दिल्ली है, पोस्टल एड्रेस है, ड्रॉप बॉक्स है और वैकेंसीज हैं। ये सभी चीज़ें दोस्तों बताई हुई हैं कि अगर आप न्यू दिल्ली के लिए, कहाँ के लिए आप अपना जो है जॉब प्रोफाइल देना चाहते हो, कहाँ पर आप जॉब पाना चाहते हो। अगर आप न्यू दिल्ली में चाहते हो तो आपको इस एड्रेस पर अपना जो है फॉर्म भेजना होगा, और अगर आप ड्रॉप बॉक्स में भेजना चाहते हो ड्रॉप बॉक्स के तहत, तो आपको ये एड्रेस भेजना होगा।
तो दोस्तों ये दो तरीके से यहाँ पर हैं, बहुत सारे अलग अलग यहाँ पर दिए हुए हैं अलग अलग जगहों के अलग अलग एड्रेस, तो आप जहाँ के लिए भी अपनी पोस्टिंग चाहते हैं वहाँ के लिए आप भेज सकते हैं, सभी के अलग एड्रेस दिए हुए हैं। तो ये बहुत यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ टोटल कितने एड्रेस हैं, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ टोटल है 78 एड्रेस हैं यहाँ पर। आप इसमें से किसी भी एड्रेस पर आप सेंड कर सकते हो। तो आपको ऑफलाइन फॉर्म कैसे सेंड करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। अब यहाँ पर दे रखा है ऑफलाइन फॉर्म भरने के बाद आपको उसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करके भेजने होंगे। तो इसमें आपको 10th की मार्कशीट भेजनी होगी, पासिंग सर्टिफिकेट उसका भेजना होगा, उसके साथ ही पासपोर्ट साइज़, कलर फोटोग्राफ, और वो 6 महीने से पुराने नहीं होने चाहिए, तो फ़ोटो भेजने होंगे आपको। और दोस्तों फ़ोटो जो है वो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर क्लीन फ़ोटो होना चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पर कंडीशंस यहाँ पर बताई हुई है। और दोस्तों यहाँ पर और ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आपको लेकर जाना है। बात करें टर्म एंड कंडीशंस की, तो यही अग्निवीर युवा के तहत है, 4 साल वाली जॉब है, 4 साल के बाद आपको अग्निवीर का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा और आपको रिटायर कर दिया जाएगा। ट्रेनिंग वगैरह छुट्टियां वगैरह यहाँ पर आपको बताई हुई हैं, जो भी टर्म कंडीशंस हैं अग्निवीर युवा की, किस साल कितनी सैलरी आपको दी जाएगी, ये सभी चीज़ें यहाँ पर बताई हुई हैं, आप इनको देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अब बताया हुआ है कि सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन आपका क्या का कैसे होगा, यहाँ पर कंप्लीट चीज़ें बताई हुई हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में देख लेते हैं। कैंडिडेट्स वुज एप्लीकेशन हैव बीन एक्सेप्टेड, यानी कि जो भी बच्चा इसके फॉर्म को भर के भेजेगा, जब उसका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा तो उसके रिटन टेस्ट के लिए उसके घर पे एडमिट कार्ड भेजा जाएगा। तो एडमिट कार्ड आपके घर पे आएगा अगर आपका जो है फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर एडमिट कार्ड के साथ साथ एग्ज़ाम सेंटर पर आपको अपना आधार कार्ड लेकर जाना होगा, और आधार कार्ड यहाँ पर मैंडेटरी है, तो या फिर कोई आईडी प्रूफ आपको लेकर जानी होगी, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये सभी चीज़ें यहाँ पर आपसे बताई हुई हैं, सभी चीज़ें आपको लेकर जानी होंगी। तो फेज़ वन में दोस्तों आपका होगा रिटन एग्ज़ाम। तो रिटन एग्ज़ाम में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, रिटन एग्ज़ाम में इंग्लिश आएगी, 10th लेवल रहेगा CBSE बोर्ड का, 10 नंबर की इंग्लिश होगी, GK आएगी 10th स्टैंडर्ड की, और यहाँ पर ये भी 10 नंबर की होगी, तो टोटल 20 नंबर का आपका पेपर होगा। तो पेपर होने के बाद दोस्तों फेज़ सेकंड में आपका फिज़िकल होगा। फिज़िकल में दोस्तों आपकी हाइट मैंने बताई दी है 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दोस्तों आपकी जो रनिंग है वो 1600 मीटर आपको रनिंग करवाई जाएगी, 6.5 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे जो है क्या क्या करवाया जाएगा वो सभी चीज़ें यहाँ पर बताई हुई हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे रनिंग करवाई जाएगी, और फिज़िकल में दोस्तों यहाँ पर फिज़िकल के अलावा जो है पुशअप्स, 10 सिटअप्स, 20 स्क्वाट्स ये भी आपसे करवाए जाएंगे। दोस्तों फेज़ थर्ड में आपका जो है यहाँ पर स्ट्रीम सुटेबिलिटी टेस्ट होगा, यानी कि आप किस स्ट्रीम में सुटेबल हो, आप हॉस्पिटलिटी स्ट्रीम में सुटेबल हो या फिर हाउसकीपिंग में, इसका आपसे टेस्ट करवाया जाएगा। तो लास्ट में यही आपका होगा, और सबसे लास्ट फोर्थ होगा मेडिकल। मेडिकल में आपको पता ही है फुल बॉडी का चेकअप होता है, तो इस मेडिकल में क्या क्या टेस्ट होते हैं उसकी मैं अलग से वीडियो आपको बना दूंगा, आप देख सकते हैं ये सभी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो दोस्तों इसका फॉर्म आपको जल्दी से भर देना है। इसका फॉर्म आपको कैसे भरना है इसकी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कोई डाउट या सवाल हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज केवल इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।